हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास ऑफ क्लास फोर। इन द वेरी फर्स्ट लेसन द नेम ऑफ द लेसन इज रिवीजन। रिवीजन द मीनिंग ऑफ रिवीजन मीन्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास थ्री। ऑल द टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास थ्री मस्ट बी रिवाइज। बच्चों हम लोग क्लास फोर के गणित में आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप सर बोल रहा हूँ। तो आइए इस रिवीजन लेसन में तीन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1A 1B 1C मीन्स इसे आपको तीन दिनों में कर देना है। डू दिस एक्सरसाइज इन 3 डेज। इस एक्सरसाइज को आप लोग तीन दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए हर दिन एक एक्सरसाइज। पहले दिन बनाइएगा 1A, दूसरे दिन 1B और तीसरे दिन 1C। तो बच्चों शुरू करते हैं। किस क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और समझते चले जाइए। उस क्वेश्चन को उस ढंग से आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट न्यूमरल्स। यहाँ पर न्यूमरल्स पढ़ना है, नाम लिखना है। 7829 इसी प्रकार से बाकी को आप करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स नेम। यहाँ लिखिएगा 9147, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन पढ़ते जाना है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 0 होता है। राइट द लार्जेस्ट, वैसे ही राइट द लार्जेस्ट ऑफ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो 9 होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके आपको बनाते चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है, केवल डिजिट का संख्या बढ़ता जा रहा है। कम्स 7 में है, कम्स जस्ट बिफोर, तो डैश कम्स जस्ट बिफोर 9000, तो 8999। ऐसे इसको पढ़ के आगे कर लेना है। अब 9-8 में कह रहा है कि 8 में ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू किसका है। यहाँ 100 है, इसमें टेंज है, 1 है, टेंज है, 100 है, 100 है, 1000 है। यहाँ पर इस नंबर में सबसे बड़ा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि पैटर्न को देखना है और लिखना है 1000, 1010, 1020, 1030, 1040। ऐसे आगे पैटर्न देखिए और लिखते चले जाइए। इसमें भी वही काम करना है, पैटर्न देखना है। 1800, 600, तो चलो 400, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न देकर के आगे लिखे आइए। इन दोनों के बीच के नंबर को लिखने हैं, सारे नंबर्स को। तो 3456, 3457, 3458, ऐसे करके 3466 तक आपको लिखने हैं। राइट द नंबर फॉर्म्स बाय द राइटिंग दिस डिजिट इन ईच गिवन नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। उल्टे करके इसको लिखना है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब उल्टा, जैसे कि यहाँ उल्टा करके लिख दो 4321, इसमें लिख दो 775। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको याद ही होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग क्या करते हैं कि सबको पहले 1000, फिर 100, फिर टेंज
और लास्ट में 1, ऐसे करके सारे को बना लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में सबको एक जगह ऐड करते हैं 7000, फिर 400, फिर 35, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का मतलब है कि सबसे पहले पहले बड़ा, तो एक नंबर में इसको लिखना, फिर उससे छोटा तो 2 नंबर में इसको लिख देना, फिर उससे छोटा तो 3 नंबर में इसको लिख देना, और 7 बच गया तो 4 नंबर में लिख देना। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा की ओर, एसेंडिंग में छोटा से बड़ा, तो पहले छोटा लिखो 6 को लिखो, फिर 96 को लिखो, फिर 420 को लिखो, फिर 1998 को लिखो, लास्ट में 4789 को लिखो। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप करेंगे। इस प्रकार से पहले दिन आप एक्सरसाइज 1A बनाएंगे, जब 1A बन जाएगा तो दूसरे दिन हम लोग 1B बनाएंगे। चलिए 1B में क्या करना है इसको भी ध्यान से देखिए। आप 1A बनाने के बाद वीडियो को रोक देंगे, फिर कल जब आप आएंगे तब 1B करेंगे। यदि आपका मन है तो लगातार वीडियो देखिए, फिर 1B को भी बनाइए, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन है, एडिशन आपको याद ही है, 1s की तरफ से जोड़ते हैं, इधर से जोड़ते हैं, 1s 10s 100, तो 1 से शुरू कीजिए। 426 617 628 437 ऐसे ही सबको जोड़ लीजिए। नीचे से अट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करने तो आपको आता ही है, बोरो लीजिए तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, बोरो दे दिया तो 8, 8 में से 3 गया तो 5, ऐसे सारे सब्ट्रैक्शन को बना लीजिए। फिर यहाँ पर मिसिंग नंबर को सीखना है, ये आसान है। 516 तो 4 में क्या जोड़िएगा कि 2 हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे तो 4 8 12, कैरी 1, तो 134 426 ऐसे करके जहाँ मिसिंग नंबर है इसको जोड़ के आप पूरा कर लीजिए। यहाँ पर टेबल पढ़ के लिखना है 69 जा बोलिए 69। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पर 0 वाला का है तो 83 जा, हाँ, और 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए। इस तरीके से आप लेख लाइन में कर सकते हो। जिन बच्चों को लाइन में करना नहीं आएगा वे बच्चे इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, 16 ऊपर 9 नीचे, और 9 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 5 14, ऐसे करके आप गुना करके भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐड करना है तो आप लाइन में जोड़िए 9 2, 1 को 1 के साथ 11, कैरी 1 7 8, और जिनको ऐसा दिक्कत होगा वो ऊपर नीचे लिख लेंगे, 72 लिखेंगे और 9 लिखेंगे और जोड़ लेंगे कि 81 हो गया। द नंबर ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 एंड न्यूमिनेटर इज 9, राइट द फ्रैक्शन। तो न्यूमिनेटर हम लोग पढ़े थे, कोई फ्रैक्शन जो होता है ऊपर न्यूमिनेटर होता है, ऊपर क्या होता है न्यूमिनेटर होता है, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। यहाँ न्यूमिनेटर दिया हुआ है 7 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 9, तो द फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गया 7/9। फ्रैक्शन मैंने क्या हो गया 7/9 फ्रैक्शन हमारा हो गया। यहाँ पर फ्रैक्शन बॉक्स दिया हुआ है, काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 में से एक जो है सो शेडो किया हुआ है। ठीक है, तो राइट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन अनशेडेड, जो अनशेडेड है उसका करना है। तो अनशेडेड वाला कितना है 3 है, तो 3 टोटल कितना है 4, तो 3/4 हो गया। ऐसे इसमें भी गिनिए 1 2 3 4 5, 5/ कितना 8, तो 8 कर लीजिए। ठीक है, फिर इन दी ब्लैंक्स करना है, डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल है तो इक्वल रह जाएगा, 18 रह जाएगा, और 7+4 हो जाएगा, 7 4 कितना 11/18 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें सब में इक्वल डिनोमिनेटर वाले हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बच्चे दूसरे दिन जब आप 1B कर लोगे तो तीसरे दिन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, तीसरे दिन हम लोग 1C बनाएंगे, ये भी एडिशन है। तो पहले पैसे को जोड़ेंगे तो 505,
257, जब पैसा जुट जाएगा तब रुपये का जोड़ेंगे, 8 to 10 कैरी 1, 1 1 2 2 4, तो 40 रुपीज़ 75 पैसे। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, बोरो ले लेंगे तो 12, 12 में से 7 गया तो 5, बोरो दे दिया है तो हो गया 7, एक अब फिर बोरो लिया तो 17, 17 में से 9 गया तो 8, बोरो दे दिया तो 5, 5 15, 15 में से 9 गया तो 6, बोरो दे दिया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। इस प्रकार से 168 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ऐसे आपको सब्ट्रैक्शन बनाना है, मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6, 6 7 और 7 3 21, तो 21 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ऐसे आसानी से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई के बाद हमको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो पहले रुपया में करेंगे, 6 6 36, 0 0। अब यहाँ से पहला पैसा निकालेंगे 6, ठीक है, तो ये रुपया हो गया, ई आर एस हो गया। अब यहाँ पैसा लिखेंगे, ठीक है, पैसा में आइए तो 6 1 6 0, ऊपर से आया 0 तो 0, तो कितना हो गया, 6 रुपीज़ और 10 पैसे। ऐसे ही सबका करेंगे, एक तरीका हम सिखाते हैं, वैसे बनाइएगा कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसमें हम कर दे रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर देना है, इसको ऐसे लिखना है, तो रुपया का के माथे पर रुपया का लिखिए कि 9 1 9 1 8, 9 2 18 0 0, तो रुपया के सामने रुपया हो गया। आप पैसे के माथे पर पैसे लिखिए, 9 हो गया तो 9 1 9 0 और फिर 0, तो रुपया के सामने रुपया हो गया तो हम कह देंगे 12 रुपया, पैसा के सामने पैसा है तो 10 पैसा। इस प्रकार से आप डिवीज़न बड़े आसानी से बना सकते हो। डिवीज़न बनाने के बाद ये एडिशन है, तो पहले सेंटीमीटर ऐड कर लीजिए, सेंटीमीटर का कैरी जो है मीटर में जोड़िएगा, याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, तो कैरी जोड़िए, 6 9 15 15 5 20 कैरी 2 2 2 4 4 1 5 5 4 9 नो कैरी, 8 2 10 10 2 12 वन कैरी 1 1 2 2 4 6, तो 62 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। ऐसे ही कोई भी हम लोग मीटर सेंटीमीटर का कर सकते हैं। डिवीज़न भी करना है तो आसानी से कर सकते हैं, डिवीज़न में जैसा कि हमने बताया 4 से डिवाइड करना है तो 4 ले लो, 80 कर दो, यहाँ पर 40 कर दो, यहाँ मीटर लिख दो, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दो, एक और बॉक्स यहाँ पर बना दो। अब यहाँ पर करो मीटर के सामने मीटर लिखो, तो 4 2 8 0 0 0, अब यहाँ पर आ जाओ 4 उतारो तो 4 1 4 0 0, अब समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर कर सकते हो तो आंसर क्या आया, 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा सही सही आंसर आप लिख पाओगे। ग्राम वाले में है तो याद रखना है कि 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम, तो जैसे 1000 होगा उसका कैरी, ग्राम का 1000 होगा तो किलोग्राम में भेज देना, उसका कैरी उसका भेज देना। चलो करके देखते हैं, तो 9 6 15 15 का 5 कैरी 1 1 2 3 3 8 11 11 5 16 कैरी 1 1 3 4 4 7 11 11 6 17 कैरी 1 1 1 2 2 8 10 10 4 14 कैरी 1 1 3 2 2 1 3 1 2 3 3 7 10 10 3 13 कैरी 1 1 1 2, तो हो गया 234 किलोग्राम एंड 765 ग्राम। सिमिलरली आप डिवीज़न भी अब कर सकते हो, तो डिवीज़न भी कर लेना, लीटर मिली लीटर भी सेम है क्योंकि 1000 मिलीलीटर = 1 लीटर होता है, तो आसानी से आप मिलीलीटर भी बना सकते हैं, इसका डिवीज़न भी कर सकते हैं। टाइम देख लो तो आपको आता ही होगा, ठीक है, कि 60 मिनट = 1 आवर, ठीक है।
और ये जो बताए हुए हैं सर लोग आपको, ये बड़ा वाला जो डायल है, ये वाला डायल ये आपका मिनट का है, ये छोटा वाला जो डायल है ये आपका आवर का है। तो आवर का डायल आपका 3 पर है, ठीक है, और पूरा का पूरा 12 पे है। तो 12 5 60 मतलब कितना बज गया, तो 3 o'clock, तो यहाँ 3 o'clock हो रहा है। वैसे ही हर डायल में जो समय हो रहा है यहाँ पर आप बता सकते हो। एक और बताते हैं, यहाँ देखो 7 के बाद है तो 7 हो गया, और ये कितने पर है, यह यहाँ पर किसके सामने है, तो ये यहाँ पर 3 के बाद है, तो 3 5 15 वह गिनो 16 17 18, तो 7 18। ऐसे ही करके आप आराम से घड़ी का समय बता सकते हो। ये हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, आपको पता ही है। 1 आवर में कितना, अब ये भी बताना, 60 मिनट्स होते हैं। 1 वीक में संडे मंडे पढ़ते हो ना, तो 7 डेज, और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इस प्रकार से बच्चों यह रिवीजन नामक लेसन जो है आपका आज पूरा हो जाता है तीसरे दिन। अब कल से एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। तो बच्चों आज इस लेसन को ज़रूर से ज़रूर आप लोग पूरा कर लीजिए। कल जो वीडियो भेजेंगे उसमें रोमन न्यूमरल्स होगा जिसे हम आपके साथ सीखेंगे। कल फिर कॉपी कलम के साथ बैठिएगा, वीडियो का इंतजार कीजिएगा और रोमन न्यूमरल्स हम लोग सीखेंगे। तब तक अगले दिन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, जिससे कि नया नया आपको जो वीडियोज़ हैं, वीडियो लेसन है आपको मिलता रहे। तो गुड बाय स्टूडेंट्स।